हेलो एवरीवन सो आज हमारा फिजिक्स के सेकंड टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी इस टॉपिक में मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लाई हूँ ठीक है इसके आज के लेक्चर में भी आज हम टेन एमसीक्यूज करेंगे प्रैक्टिस ठीक है सो so, ये सभी के लिए है सभी इनको अटेम्प्ट करो ठीक है आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी और बिफोर अटेम्प्टिंग दिस सीरीज़ आप एक बार लेक्चर्स देख लो ठीक है आपको आसानी होगी सो so, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट और नन ऑफ दिस सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम यहाँ पे यू रिप्रजेंट करा है चार्ज को और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और आई रिप्रजेंट करा है यहाँ पे करंट को याद रखना ये इनको रिप्रेजेंट कर हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ उसको करंट को चार्ज को ठीक है ना कि ये ऐसा यूनिट्स हैं ठीक है इसको ध्यान में रखना So, the right answer is option number C that is electric current. Next is which of the following is the SI unit of electric current that is ohm, ampere, volt, or far faraday? So, you can mark your answer now. I will give you 10 seconds. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज अम्पेयर करंट का भी हमने फॉर्मूला देखा दैट इज पर रेट ऑफ फ्लो और चार्ज करंट को हम मेजर करते हैं अम्पेयर में ठीक है चार्ज को हम मेजर करते हैं कोलम में और टाइम को सेकेंड्स में ठीक है सो अगर आपसे पूछा जाए वन अम्पेयर करंट क्या होता है सो हम बोलेंगे व्हेन वन कोलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर वन सेकंड देन वी से दैट वन अम्पेयर करंट इज फ्लोइंग ठीक है ये सारा मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया हुआ है नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो द ऑप्शन आर एमीटर galvanometer voltmeter and potentiometer so you can mark your answer now so the right answer for this is voltmeter we use voltmeter to measure electric potential thicken नेक्स्ट one unit यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज from फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन amount ऑफ वर्क डन इन joules इज नोन एज इलेक्ट्रिक current इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो so इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें क्या क्या हुआ बेसिकली डेफिनेशन दे दी गई है सो so, अब आपको बताना है कि किसकी डेफिनेशन है सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ सो द राइट आंसर फॉर दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस हमने पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन किसका वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू नदर ठीक है तो ये हमारा क्या होता है हमारा वन यूनिट वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है नेक्स्ट द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटीरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इंडक्टेंस और नन ऑफ दिस सो यू कैन मार्क यूर आंसर नाउ सो द राइट आंसर फॉर दिस इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज बेसिकली दिंड्रेंस ठीक है जो क्या करता है स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है रोकने की कोशिश करता है ठीक है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम ठीक है और अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है ये आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस सो इन दैट केस हमारा कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा ओम रिवर्स में ठीक है या फिर वन बाय ओम बोलो ठीक है So, the right answer for this is option number A that is resistance. The resistance of a conductor is directly proportional to its area of cross section, density, melting point, or length. So, you can mark your answer now. the right answer is length the resistance of a conductor is directly proportional to length iske liye humne formula padha tha ki resistance directly proportional hota uh, hai length ke aur inversely proportional hota hai area ke aur isko humne हटाया था इस uh, direction of proportionality को with a sign that is called rho और इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली रिजिस्टिविटी बोलते हैं रो को ठीक है तो ये हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में और रजिस्टी रजिस्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर क्या होती है फिक्स्ड होती है ठीक है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट द पर्पस ऑफ योर स्टार्ट इज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली Increase or decrease the magnitude of current, or none of these. So, you can mark your answer now. So, the right answer for this is option number C. The purpose of rheostat is to increase or decrease the magnitude of current. Taken next.

सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ओम स्लो में हमने पढ़ा था सर्के डाइग्राम में कि क्या होता है अब मीटर को हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग करंट ठीक है एंड वोल्ट मीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है सो so, अमीटर को हम हमेशा क्या करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ठीक है और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं ठीक है एंड फॉर एन अमीटर टू बी एन आइडियल जो इसका रेजिस्टिविटी है अमीटर का फॉर एन आइडियल अमीटर क्या होना चाहिए रेजिस्टिविटी अमीटर का रेजिस्टेंस सॉरी ये होना चाहिए ज़ीरो एंड फॉर वर्ल्ड मीटर ठीक है आइडियल वर्ल्ड मीटर की बात करूं तो क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए हमारा इन फिनिटी ठीक है इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो so, इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज अटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वर्ल्ड मीटर इन पार्लर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वेन ए फोर्टी वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अनोन रेजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ टेन मिली अंपेयर इन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर क्या होगी फाइव थाउजेंड ओम एट हंड्रेड होम जीरो पॉइंट एट होम और नन ऑफ दीज सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ सो द राइट आंसर फॉर दिस इज नन ऑफ दीज ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज अब मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है मैंने आपके पे इस पर पूरी एक सीरीज लेके आई हूँ ठीक है मैं सिर्फ बताऊँगी इसको किस तरह से करना है ठीक है इसमें लगेगा ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है रजिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर और अब आपको इसमें क्या करनी है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बस ध्यान रखना कि वो क्या हो एस आई यूनिट्स में हो इसकी वो आ, हम वोल्टेज में क्या डालेंगे फोर्टी वोल्ट और आई को दैट इज करंट दैट इज हंड्रेड मिली अम्पेयर इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है अम्पेयर्स में ठीक है जब आप इसको अम्पेयर्स में करोगे देन आप इसको डिवाइड करोगे ठीक है तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की ठीक है और इसका करेक्ट वैल्यू क्या होगा वो आपको मुझे ऑप्शन में बताना है नन ऑफ दीज तो है बट वो एक्चुअल वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की क्या होगी वो आपको मुझे ऑप्शन में बताना है किस तरह से सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है ठीक है बस क्या करना इसको इसको मिलियम्पेयर को कन्वर्ट कर लेना एम्पेयर्स में ठीक है और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है मिलियम्पेयर का माइक्रो एम्पेयर का ठीक है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस टूडेज लेक्चर इज द एस आई यूनिट ऑफ पावर इज हैंनरी कूलम वॉट ऑफ इट वॉट आर सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ सो द राइट आंसर इज वॉट द एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट अब जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर कराया था ठीक है तो मैंने आपको कुछ अनदर यूनिट्स के बारे में भी बताया था ठीक है सो वार्ड के अलावा मैंने किस यूनिट पावर की किस यूनिट के बारे में बात किया था वो भी आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखने के बताना है कि वार्ड के बारे में हमने बात तो की थी जो उसकी ऐसा SI यूनिट है ऐसे SI यूनिट के अलावा मैंने कौन सी यूनिट की बात की थी पावर की ठीक है वो आपने मुझे बताना है सो so ये थे आपके आज के टेन एम ठीक है आई होप आपको ये समझ आए होंगे और इस एम की वजह से आपका लेक्चर भी रिवाइज़ करवाने की मैंने कोशिश की है तो काफ़ी हद तक वो हुआ होगा ठीक है और जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा इलेक्ट्रिसिटी का मैं इस पर तीन लेक्चर्स लेके आई हूँ तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं ठीक है सो आज के लिए बस इतना ही